बैठ कर के। परम पूज्य गुरुदेव जी 85 हो रहे हैं। बोलिए सतगुरु जी। सज्जनों और देवियों, दो भजन आप सुने। एक भजन की एक पंक्ति काफी है, काम किया जाए तो थोड़ी बात बहुत बड़ी बात होती है। काठमांडू में हमारे एक भक्त थे, प्रेम बहादुर थापा, उनके पुत्र मीन बहादुर, नेत्र बहादुर, चार बच्चे थे। दो संत हो गए थे और एक शिक्षा मिनिस्ट्रेटर थे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मीन बहादुर थापा, वह हम लोगों की पुस्तकें अपनी मेज पर कचहरी में भी रखते थे। श्री विशाल साहब की पुस्तक मेज पर थी, भवयान, और वो पन्ना खुला था। समय समय से वहाँ भी वो पढ़ते रहते थे। जगत में रहिके करिहो का, ये एक पद है श्री विशाल साहब। श्री विशाल साहब का पूरा वचन, मूल वचन विशाल वचनामृत नाम से छपा है, अब तो गुटका रूप में छप के आ गया है, बहुत मनन करने योग्य। जगत में रहकर करिहो का, ये हेडिंग है। एक मौकिल देखा तो उसने कहा, हुजूर इस पंक्ति को मैं लिख लूं? उन्होंने कहा पूरा लिख लूं? कहने पूरा नहीं चाहिए। उस पंक्ति को देख करके लिख लिया, जगत में रहकर करिहो का। जगत में रह करके क्या करोगे, इसका अर्थ सरल। और फिर वो कभी कचहरी में नहीं आया, एक पंक्ति से वो जग गया। छाड़ो जग की आशा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। इसको मैं थोड़ी उम्र में सुना था रिकॉर्डिंग में, जब कबीर पंथ से परिचय नहीं था मुझे, तब सुना था। हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, हमारा एक कण भी नहीं है, लेकिन इस सत्यता को हम कितने समय तक देखते हैं, जानते तो हैं, कौन नहीं जानता। मृत्यु सब जानते हैं कि इस शरीर की मृत्यु निश्चित है, लेकिन याद कब तक रखते हैं। जब कोई स्वजन योग्य व्यक्ति जवान मर जाता है, तब लगता है कि दुनिया झूठी है, मन खट्टा हो जाता है दुनिया के राग रंग से, और थोड़े समय के बाद फिर रम जाते हैं लोग। लेकिन उस समय लगता है कि दुनिया झूठी है। जब ज्ञान का ग्रंथ कोई पढ़ा जाता है ध्यान से, तब भी लगता है कि दुनिया झूठी है। जब संतों का उपदेश ज्ञान पर सुना जाता है, तब लगता है दुनिया झूठी है, उसके बाद फिर बराबर। जो सच्चाई है उसको हर समय चित्त में रखना, ये साधना और सावधानी है। अगर हर समय चित्त में सत्यता की प्रतीत होती रहे तो आदमी व्यतिक्रम नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा।
जीवन का फल आत्मशांति है। यहाँ किसी को कुछ है नहीं, और उन्नति हम जिसे मानते हैं सब उन्नतियों का फल आत्मशांति है। वह न मिले तो कौन सी उन्नति हुई? आध्यात्मिक उन्नति जीवन का फल है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवहारिक उन्नति भी आवश्यक है। जीवन के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास और अनेक जीवन धारणोपयोगी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग जीवन में होता है। प्राणी होते हैं, उन प्राणियों के साथ में बर्ताव करना होता है, अर्थव्यवस्था, व्यवहार की व्यवस्था, ये सब जीवन के साथ लगे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जिस श्रेणी में जो है उसमें वो परिश्रमी रहे, आलसी न रहे, और जो प्राप्त हो उतना बहुत समझे। प्राणियों के साथ बर्ताव सुंदर करें। पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, ये तीन होते हैं जो हमें निरंतर मिलते हैं। पदार्थ निर्जीव होते हैं, प्राणी सजीव। प्राणियों में भी मनुष्य का सर्वाधिक महत्व है। अन्य प्राणी तो केवल करुणा के पात्र हैं, अन्य प्राणियों पर भी करुणा रखनी चाहिए। कितने मजहब ऐसे हैं जो कहते हैं कि अन्य जानवर मनुष्य के खाने के लिए बने, ईश्वर ने इसीलिए बनाया। ईश्वर के भक्त लोग ईश्वर से वह सब कहलवा लेते हैं जो उनको चाहिए। जो ईश्वर करुणाशील है वह किसी प्राणी की हत्या से कैसे खुश हो सकता है? इसलिए ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जो प्राणियों की हत्या की जाती है वो बहुत गलत है। ये पुराने जमाने का संस्कार है। ईश्वरवादी और दैववादी मत वाले प्राणियों की हत्या करके ईश्वर और देवता को पूरा काल में खुश करते रहे, और उसी का संस्कार अभी भी है जो ईश्वर और देव को स्थान नहीं देते थे, केवल आत्मा को देते थे, वे ऐसा नहीं करते थे। जैसे सांख बहुत पुराना है, वो ईश्वर को स्थान नहीं देता है। जगत बनाने वाला कोई नहीं, जगत प्रकृति के नियमों से है। आत्मा ही परमात्मा है, ये सिद्धांत सांग का। बौद्ध, जैन कहते हैं जगत सदा से, इसको कोई बनाया नहीं, इसका चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं। तो ये सब कभी भी जीव हत्या नहीं करते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन आर्य परंपरा का मूल ब्राह्मण परंपरा और स्वामी परंपरा, ये दोनों ईश्वरवादी। ईश्वर ने दुनिया बनाई, और ये दोनों ईश्वर और देवता के नाम पर जीव हत्या करते रहे। लेकिन ब्राह्मण परंपरा में आगे चलकर के विचार हुआ, और यज्ञ में मारे जाने वाले सारे पशुओं की जो हत्या होती थी बंद हो गई। यज्ञ में अब कभी भी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से हत्या नहीं होती। हाँ, अभी हिंदुओं में ये दोष है कि देवी के नाम पर, देवता के नाम पर अभी भी बकरे, मुर्गे, भैंसे काट दिए जाते हैं। लेकिन भारत आज़ाद होने के पहले बहुत कम हो गया, नेपाल में तो बहुत है, भारत में भी कुछ है। स्वामी परंपरा में भी ये रहा, यज्ञ होम करके
उनमें भी होम चलता था, बाइबिल में ये बात आती है, और पश जला दिए जाते थे। लेकिन संत ईसा दयाल पुरुष हुए, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने जीवन में कोई बलि नहीं की। इसलिए ईसाइयों में ईश्वर के नाम पर कोई जानवर नहीं मारा जाता है। खाने वाले खाते हैं, अलग बात है। हजरत मोहम्मद ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए उस परंपरा में यह है। वैसे कुरान में ईश्वर के नाम पर जीव मारने की बात नहीं है, पूरा कुरान मैंने पढ़ा है। ये बात आती है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दिया हुआ खून और गोश्त ईश्वर को पसंद नहीं, परहेजगारी पसंद है। परहेजगारी संयम। लेकिन उस परंपरा में रहा तो आज भी ईश्वर के नाम पर वो मारते हैं। अब आगे चल करके विचारक हो उसको बंद करे तो अच्छा है। ईश्वर और देवता किसी प्राणी की हत्या से खुश कैसे हो? जब एक सज्जन व्यक्ति भी किसी की हत्या से खुश नहीं होता। पहली घटना मुझे कलकत्ता में देखने को मिली। जब मैं कलकत्ता पहली बार बुलाया गया, ये सन 1964 की बात होगी, मैं वहाँ गया तो काली मंदिर भी जाना हुआ। वहाँ पर पंडित लोग बैठे रहते हैं, एक पड़वा स्नान कराया गया और पंडित के सामने लाया गया, उन्होंने टीका लगाया, वेद मंत्रों से अभिषिक्त किया, फूल माला उसके गले में पहनाया और आर्डर दिया। आंगन में खूंटा गड़ा था लोहे का, उसमें लोगों का सिज्जा लगा था और उसी में गला फंसा करके, पास में एक पिटारी होती थी, तलवार उसमें रखी रहती थी, निकाल के मार देते। तो जब सारा विधान हुआ और पड़वा को काटने का समय आया, हम लोग खड़े थे तो हम लोग हट गए। नियम यह है कि किसी हत्या को हम न देखें, बन सके तो रोकें, नहीं तो हट जाए। तो रोक तो सकते नहीं थे, हट गए। एक सज्जन व्यक्ति भी किसी प्राणी की हत्या देखना पसंद नहीं करेगा। ईश्वर देवता जो दयालु है कैसे पसंद करें? इतनी सी बात आज के विज्ञान युग में भी, शिक्षा के युग में भी न विचारा जाए तो कब विचारा जाए? प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति। जहां तक शक्ति चले, समझ में आए, जानबूझकर किसी को दुख न दे। ज्यादा जिम्मेदारी मनुष्यों के प्रति। ये उफान शैतान वाला है। आप हजार गायें, हजार भैंसे, हजार ऊंट, हजार हाथी पाल सकते हैं, उन्हें चारा दें, पानी दें, आवास दें, सुरक्षा रखें, बस कोई झगड़ा नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल करके निभाना बहुत मेहनत है। और इसमें लड़के वाले स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जिनके लड़के नहीं होते हैं वे बहुत छटपटाते हैं कि हमें लड़के नहीं हुए, और जब लड़के हो जाते हैं, वो जवान हो जाते हैं और मन के अनुसार नहीं रहते हैं तो वह विरोध करते हैं और अपने बच्चों की लोग निंदा करते हैं। एक बच्चा पाल करके निभाना मुश्किल है। मनुष्यों का व्यवहार बड़ा जटिल होता है। मनुष्य में ज्ञान की क्षमता ज्यादा है, लेकिन उस क्षमता का उपयोग वो सही ढंग से नहीं करता, गलत ढंग से करता। मधुमक्खियां होती हैं, छोटा जानवर, वे मधुरस बनाती हैं। अब आदमी जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है,
वो शराब बनाता है, गुटखा बनाता है, बीड़ी सिगरेट बनाता है, तंबाकू के कारखाने तो और विकसित हो गए हैं आजकल। जितना दुरुपयोग इंसान करता है जीवन का कोई जानवर नहीं करता। इंसान के बीच में रह करके अपने को संभालना ये बहुत बड़ी समझदारी की बात होगी। हम जिन प्राणियों के बीच में रहते हैं, मनुष्यों के बीच में, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, संस्था में हो, पार्टी में हो, कंपनी में हो, मनुष्यों के बीच में रहते हैं, मनुष्यों से सुंदर बर्ताव करना, कलह न होना, सहयोग की भावना होना, एक दूसरे के साथ सुंदर साहचर्य, इसकी बड़ी आवश्यकता है। पति पत्नी में कई जगह असहयोग है, पिता पुत्र में असहयोग है, भाई भाई में असहयोग है, सहयोग नहीं। एक दूसरे के सहारा न बन करके पैर पकड़ करके खींचते हैं, नहीं असहयोग है तो कट वचन है, दुर्व्यवहार है, गुस्सा गुस्सी की बात है। कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं आपस में बात नहीं करते, और कोई बात किया भी तो दूसरा डपट देता है, एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करते। पत्नी आजकल तो भोजन करते हैं। एक बार की घटना है, एक संभ्रांत घराने की बूढ़ी माता ने मुझसे कहा, साहब क्या जमाना खराब हो गया है, मैं कभी भी अपने पति के साथ बाजार नहीं जाती थी, और सबको भोजन करा करके तब हम लोग भोजन करती थी। ये बहू है, लड़का आएगा ऑफिस से बस उसको लेकर के बाजार जाएगी, और सबको भोजन करा करके तब मियाँ बीवी बैठ करके गप मारेंगे और खाना खाएंगे। मैंने कहा, माता जी आपका लड़का अपनी पत्नी के साथ घूमने जाता है बाजार, पराई पत्नी के साथ तो नहीं जाता है ना, और अगर दोनों पत्नी आपस में बात करते हुए खाते हैं तो आपको क्यों करता है। जमाने के अनुसार सोचिए, वो तो साहब आप भी उसी के अनुसार कहने लग गए, उसी का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा, आप भी उन्हीं का समर्थन करें बस ठीक हो जाएगा। जमाने के अनुसार सब होता है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहीं पर्दा नहीं करती हैं, चाहे वो वन यात्रा में हो, और चाहे रावण जब आया है तपस्वी रूप में, तब समझी तपस्वी है, तो उनसे जो खुल करके उन्होंने बात किया है, कहीं भी बात किया है वाल्मीकि रामायण में सीता जी, वे पर्दा नहीं करती है। लेकिन गोस्वामी जी की सीता पर्दा करती है, क्योंकि गोस्वामी जी 16वीं शताब्दी में अपना काव्य लिखे हैं, और वाल्मीकि रामायण ये ईसा के 300 वर्ष पूर्व से लेकर 300 वर्ष बाद तक बनती रही, तो उस जमाने में पर्दा प्रथा नहीं थी। वेदों में कहीं भी पर्दा की बात नहीं है, बस इतना है कि बहू ससुर को देख के पीछे हटती है, ओ मच्छरों के विषय, कीड़ों के विषय में आता, सूरज की किरणों की प्रशंसा में कि सूरज की किरणें रोग को नष्ट करती हैं, सूरज की किरणें जब फैलती हैं तो कीड़े उसी प्रकार भागते हैं पीछे, जैसे बहू ससुर को देख के पीछे भागती है। तो लज्जा तो सदा रही है, लेकिन पर्दा प्रथा वैदिक युग में नहीं रही। जमाने के अनुसार यह सब परिवर्तन होता रहता है। 50 वर्ष के पूर्व जो घरों की स्थिति बहुत बदल गई है, गांव में तो अभी भी बहुत है, लेकिन शहरों में एकदम बदल गई है। अब ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि जो आकर के ससुर के गले मिलती हैं,
और कितने बेचारे बूढ़े 90 बरस के मुझसे कहे साहब मैं क्या करूं, मैं बहू को झिटक भी नहीं सकता, वो नाखुश हो जाएगा, इसलिए सह लेता हूँ। जमाना यूरोपीय प्रभाव बहुत पड़ रहा है, अरे अच्छा नहीं है, लेकिन समय के अनुसार समाधान करना जरूरी है। मनुष्यों में प्रेम बना रहा है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। घर में स्वर्ग कैसे उतरेगा जब एक दूसरे को देख करके खुश हो, प्रिय नजर से देखें, मीठे वचन बोलें, सहयोगी बने, एक दूसरे की सहायता करें, तब स्वर्ग है। पुराणों का स्वर्ग तो काल्पनिक है, कहीं आकाश में स्वर्ग नरक नहीं, प्रेम में स्वर्ग है, घृणा में नरक है, आसक्ति में बंधन है, अनासक्ति में मोक्ष है। ये संप्रदाय वाले भी मोक्ष और स्वर्ग की ठेकेदारी लिए बैठे, कहते हमारे संप्रदाय और मजहब से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, दूसरे से नहीं, ये ठेकेदारी गलत है। मेरा संप्रदाय ईश्वर कृत है, मेरी पुस्तक ईश्वर कृत है, मेरा महापुरुष ईश्वर है या उसका प्रतिनिधि है, ये दादागिरी के लिए है। सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं, सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। ये सत्य बोध हुए बिना सांप्रदायिकता का विष मिट नहीं सकता। अवतारवाद दूतवाद ये दादागिरी के लिए है। हमारा महापुरुष, हमारा गुरु ईश्वर का दूत है, ईश्वर का अवतार है या खुद ईश्वर है, ये दादागिरी है। सारे महापुरुष मनुष्य महापुरुष हैं और सब आदरणीय हैं, एक आदरणीय नहीं है। श्री राम श्री कृष्ण जैसे आदरणीय हैं, हजरत मोहम्मद संत ईसा बुद्ध महावीर वैसे आदरणीय हैं। नाम तो थोड़े लिए जाते हैं, कहाँ तक लिए जाए। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब आदरणीय हैं, दुनिया की जितनी पुस्तकें हैं सब आदरणीय हैं, धर्म ग्रंथ, और दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सब आदरणीय हैं। स्वर्ग और मोक्ष व्यक्तिगत विषय, किसी संप्रदाय में दीक्षित होने से किसी का स्वर्ग और मोक्ष नहीं होता। मन निर्मल है स्वर्ग, अनासक्त है मोक्ष है, मन में आसक्ति है बंधन है, मन में ईर्ष्या द्वेष है नरक है, ये व्यक्तिगत विषय है। इसके लिए सहारा गुरु चाहिए जो रास्ता दिखाए, वह गुरु किस संप्रदाय का हो इससे मतलब नहीं। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो तिवारी चाहिए कि पाणे कि बर्मा कि गहलोत कि खां, जो इंग्लिश ठीक से जानता उससे आप इंग्लिश सीख लीजिए। किस पंथ का गुरु हो इससे मतलब नहीं है, गुरु वह है जो निष्काम है और निर्माण है। अहंकार और कामना ये दो गले की फांसी है, इस फांसी से जो सर्वथा मुक्त है वह सद्गुरु है। जिसने सारे अहंकार का परित्याग कर दिया है, क्योंकि अहंकार मूर्खता है। जब शरीर अपना नहीं है तब कौन सी वस्तु मेरी है, अपने को दुनिया की चीजों में जोड़ना अविद्या है। ये कोमल भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, मूर्खता कठोर भाषा है, लेकिन बात एक है, अविद्या और मूर्खता एक बात है। जो वस्तु मेरे साथ रहने वाली नहीं है उसके साथ अपने को जोड़ना, अहंकार करना, उसकी कामना करना, यही अविद्या है। इस अविद्या की पूर्ण निवृत्ति जिसकी हो गई है वो सद्गुरु है, कोई भी हो। और ऐसे महापुरुष पूरी दुनिया में हुए हैं।
इस्लाम परंपरा में मंसूर सरमद उच्च संत थे, अनलहक जिन्होंने कहा था, और जाहिलों ने उनको मार डाला, दोनों को मार डाला। अनलहक उन्होंने कहा। स्पिनोजा जो यहूदी थे और बहुत तेज तर्रार, बहुत बुद्धिमान प्रतिभा के धनी थे, यहूदी लोग चाहते थे कि ये जरा संप्रदाय के अनुसार रहें, इन्हीं को अगुआ बनाया जाए, लेकिन कभी उसके अनुसार वो नहीं रहे। पैतृक संपत्ति भाइयों में बहनों में बांट दिया, स्वयं कुछ नहीं लिया, अविवाहित रहा। और चश्मा के शीशे का लेंस बना बना कर वो अपना गुजर करता था महापुरुष। और यहूदी लोग सोचते थे अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। वह 50 वर्ष की उम्र के पूर्व ही शरीर छोड़ दिए। संयमशील, निष्काम, निर्माण पुरुष यहूदी में थे। भारतीय परंपरा में ब्राह्मण परंपरा, श्रमण परंपरा, सिद्धनाथ संत परंपरा में तो एक से एक धुरंधर हुए हैं। ब्राह्मण परंपरा में सनत कुमार, कपिल, कणाद, कितने ऋषि के नाम लिए जाएं। श्रमण परंपरा में बुद्ध, महावीर अनेक हैं। संत परंपरा में संत मत प्रवर्तक कबीर तो हैं ही, नानक, दादू, दरिया, भीसा, पलटू, कितने नाम हैं। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, वैष्णव परंपरा में एक एक धुरंधर संत हुए। सभी मार्गों में अच्छे संत होते हैं। मीरा नारी थी, लेकिन मीरा महान हो गए। हमें संप्रदाय पर जोर नहीं देना चाहिए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से प्रेम का व्यवहार करे, अपने संप्रदाय के नियमों का पालन करे और दूसरे के संप्रदाय के नियमों को आदर दे। और असलियत यह है कि जो कल्याण की अवस्था है वो निर्माणता और निष्कामता है। अपने को सबसे पीछे और नीचे किए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अहंकार की आग में हम रात दिन जलते हैं। अहंकार को छोड़े बिना किसी को शीतलता नहीं मिल सकती। पारस्परिक प्रेम का बर्ताव संबंध में होना चाहिए। व्यवहार की समुज्जलता से आध्यात्मिक उन्नति करने में सरलता होगी। हमारा मन जिन मनुष्यों के बीच में हम हैं उन्हीं में समरस नहीं है, संतुष्ट नहीं है, समतालु नहीं है, संयत नहीं है, तो समाधि में कैसे पहुंचेंगे। मैंने कल कहा था सहज समाधि और सहज साधना, कबीर साहब के दोनों वचन हैं, सहज साधना और सहज समाधि। सहज साधना है जो निरंतर सब समय चले, स्नान किए हो तो, ना स्नान किए हो तो, पूजा घर में, टट्टी घर में, घूर पर, खेत में, कारखाने में, दफ्तर में, मंदिर में, दुकान पर, सड़क पर, हर जगह जो निरंतर चले साधना, वो सहज साधना है। वो है मन को देखना, मन क्या करता है, मन में गंदगी तो नहीं आ गई, मन में गंदगी आने न पाए, निरंतर मन को देखें। और जहाँ देखेंगे मन को तहाँ सफाई करेंगे। जब सांप देख लेंगे सामने तो जरूर हट जाएंगे, चलते चलते गंदगी सामने दिखाई दी तो आदमी तुरंत हट जाता है। जब हम मन को देखेंगे और मन में गंदगी आई है तो निश्चित उसको हटाएंगे। मन को देखते नहीं, मन में बहते, रात दिन आदमी मन में बहता,
देखी सुनी बातों को घूम घूम करके सोचते रहना। प्रेत बाधा कहते हैं उस घर पर, प्रेत बाधा है। भूत प्रेत तो बिल्कुल झूठे हैं, कहीं नहीं, लेकिन प्रेत बाधा का अर्थ है बीती हुई घटनाओं को दिमाग में घुमाते रहना। हर मनुष्य पर प्रेत बाधा है, हर आदमी बीती घटनाओं को दिमाग में घुमाता रहता है। अनुकूल मिला है तो उसमें रागात्मक वृत्त से, प्रतिकूल मिला है तो द्वेषात्मक वृत्त से चित्त को घुमाता रहता है। यही भवबंधन है। प्रेत बाधा से जो बिल्कुल मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया। प्रेत बाधा, भूत बाधा, भूत जो बीता हुआ समय है, बीती हुई बातों को दिमाग में घुमाते रहना, चर्चा का विषय भी बना लिख करके राग द्वेष करना। यादवों के विनाश के विषय में महाभारत में लिखा है कि महाभारत युद्ध हुए 36 वर्ष बीत गए थे, यादवों में द्वारिकापुरी में बस यही होता था, तूने उसको क्यों मारा, वो तो उस समय पूजा में बैठा था, तूने उसको क्यों मारा, इस प्रकार आपस में पुरानी बातें याद करके गर्माहट आ गई और तलवार चल गई और यादवों का आपस में विनाश हुआ। गांधारी ने श्राप दिया था कि कृष्ण तू समर्थ था, रोक सकता था इस युद्ध को, लेकिन तूने रोका नहीं, मैं श्राप देती हूँ कुछ दिन में तुम्हारे परिवार की दशा यही हो। जैसे हमारे वंश की स्त्रियाँ पानी में डूब कर, आग में कूद कर मर करके समाप्त हुई, ऐसे तेरे घर में भी हो। कहीं भी दुरुपयोग होता है कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अगर दुरुपयोग है तो परिणाम आना है। सोचिए श्री कृष्ण जैसा महारथी पुरुष विनाश को नहीं रोक सका, क्यों? क्योंकि विकार इतना बढ़ गया था कि रुकने की संभावना नहीं थी। परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दो परिवर्तन होते हैं, परिमाण में एक सीमा में परिवर्तन, गुणात्मक बिल्कुल बदल जाना, जैसे खट्टा आम थोड़ा थोड़ा मीठा होने लगता है, ये परिमाणात्मक परिवर्तन है। जब बिल्कुल मीठा हो गया तो गुणात्मक परिवर्तन हो गया। अगर आपस में त्रुटियां आती हैं और संभल जाए तो सुधर जाएगा, और त्रुटियों को सुधार नहीं किया गया, त्रुटियां बढ़ती गईं तो फिर विस्फोट होगा और पतन होगा। कलह, आपसी कलह दुख का कारण होता है। व्यवहार में मधुरता की जरूरत है, व्यवहार में जन धन है, समझो जन धन है, जन प्राणी, ये प्राणी धन है। महाराज राम ने जन को धन माना, धन को धन नहीं माना, भरत को धन माना, माता पिता को धन माना, इसलिए राज छोड़ के चल गए। भरत ने भी जन को धन माना, राम हमारे धन है, अयोध्या का राज धन नहीं। उन्होंने अयोध्या का राज उनके चरणों में चढ़ा दिया, जब वे नहीं आए तो उन्होंने सेवा की, राज्य की भोग नहीं किया। इसलिए भ्रातृत्व की कहानी रामायण बनी और महाभारत, कौरव पांडव दोनों ने धन को धन माना, अब आपस में कट के मर गए। भ्रातघाती युद्ध की कहानी महाभारत और भाईचारे की कहानी रामायण। वैसे महाभारत में ज्ञान की बहुत बातें, वो अलग विषय। प्रेम से स्वर्ग है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मन को देखो निरंतर, ये सहज साधना है। मन में विकार आए तभी उसको खत्म कर दो, फूल ही तोड़ दो तो फल नहीं लगेगा। इस सहज साधना में सबको रहना चाहिए। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, साहब कहते ऐसा ध्यान लगा है कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा,
सब समय सावधान, सावधानी ही साधना, सहज साधना, सहज समाधि, सहज समाधि आत्म शांत, किसी प्रकार का ध्यान हितकारी है। महापुरुष का ध्यान, ज्योति का ध्यान, नाद का ध्यान, बिंदु का ध्यान, शब्द का ध्यान, ये चित्त को एकाग्र करने के लिए ठीक है, लेकिन ये आरंभिक अंतिम ध्यान है। आज तक आपने जो ध्यान मान रखा है सब खात्मा, कुछ न सोचना अंतिम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, ये कपिल जी महाराज ने कहा। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय कहते पदार्थ को। मन में जब तक पदार्थ है तब तक ध्यान नहीं। पदार्थ कैसे है? याद से हम बैठे ध्यान में, इतने में सड़क की याद आई, तो सड़क एक पदार्थ है, उसमें नाम और रूप है। सड़क, सड़क का तीन अक्षर का नाम आ गया और एक लंबा आकार आ गया। गाय की याद आई तो गाय नाम आ गया और गाय का आकार आ गया। जहाँ तक याद आएगी नाम और रूप आएंगे। नाम और रूप से संबलित पदार्थ होता है। जब कुछ याद नहीं तो नाम रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई पदार्थ नहीं, संकल्प शून्य अवस्था, ये सहज समाधि। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को शेष कहते हैं, संस्कृत में शेष और अरबी में बका। सूफी संत, इस्लामिक संत इसको बका कहते हैं। विश्व भगवान शेषशायी आप सुने होंगे, वो रूपक है, कहीं क्षीर सागर भारत भूमंडल पर न है। अगर दूध का सागर होता तो दूध इतना महंगा ना होता, वहाँ से तो खूब सप्लाई होता दूध की। अब आपको दो तीन रुपए किलो खूब मिलता रहता। क्षीर सागर है और उसमें शेषनाग जी हैं और उस पर विष्णु जी लेटे हैं, ये रूपक है। क्षीर सागर है निर्मल मन और शेष है बचा हुआ। किसी संख्या का भाग जब किया जाता है, जब तक संख्या रहती है भाग होता है, और जब एक रह गया सिंगल तो शेष। विचारों में संसार है, विचार सारे शांत हो गए, संसार शांत हो गया, तो आत्मा शेष रह गया। इस शेष अवस्था में जो स्थित है वो विश्व। विश्व कहते हैं जो प्रविष्ट हो। विष धातु से विश्व शब्द बनता है। मेरी एक पुस्तक है विश्व कौन, छोटी सी पुस्तक है। जो प्रविष्ट हो वो विश्व, सब घट में जो प्रविष्ट है वो विश्व है। विष्णु परिस्थित हो विष्णु, विष्णु खादित विष्णु, कथम हसरे विष्णु, सर्वम विष्णु एम जगत। एक संत रोटी खा रहे थे, जरा मस्त टाइप के थे, और पास में दो तीन कुत्ते बैठे थे, उनको भी टुकड़ा देते जाते थे। नौजवानों ने देखा तो हंसी शुरू हुई, क्योंकि जवानी में हंसी ज़्यादा आती है। तो संत ने कहा विष्णु परिस्थित विष्णु, विष्णु खादित विष्णु, कथम हंसरे विष्णु, सर्वम विष्णु एम जगत। विष्णु के साथ विष्णु बैठा है, विष्णु के पास विष्णु बैठा है, और विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तू क्यों हंसता है? तो उनके कहने का अर्थ था, मैं विष्णु हूँ, एक कुत्ते विष्णु हैं, अरे बच्चों तुम भी विष्णु। इस प्रकार व्यापक दृष्टि समझना, ये वैष्णवता है। जो चंदन लगाए सफ़ेद सफ़ेद, जटा रखाए, तुलसी माला पहने और सीताराम सीताराम कहे, वही वैष्णव है, ऐसी बात नहीं। वैष्णव वह है जो सब में विष्णु को देखे। विष्णु शेषशायी विष्णु है।
बका रह जाना, शेष रह जाना विष्णुत्व, सारे संकल्पों को छोड़ दिया, शेष रह गया वो विष्णुत्व। इसी को अरबी भाषा में बका कहते, जैसे बाकी, बका, बचा हुआ। एक संत ने, सूफी संत ने कहा, आश्चर्य है दुनिया में बका पर किसी का ध्यान ही नहीं। सहज विचारो, जब शरीर छूटेगा क्या बचेगा? केवल आपका आत्मा निकल के जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। चाहे कितना पसारा हो, भारत में अनेक शहरों में आपके कारखाने लगे हों और अतुल संपत्ति हो, शरीर छूटने पर क्या बचेगा? अंबानी जी ने मोबाइल का कितना प्रचार किया, लेकिन जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सके। बका, बचा हुआ शेष आत्मा, वही परमात्मा। जब संकल्प शांत हुआ, निर्विकल्प अवस्था आई, ये सहज समाधि, यही आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है, ब्राह्मी स्थित है, पारख स्थित है, निर्वाण दशा है। भाषा अलग अलग है, भाषा में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पानी पियो, जल पियो, आप पियो, आप और आप, संस्कृत में आप, अरबी में आप, वही पानी है। राम, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गाड, ये शब्द है, लेकिन उन सब का फलदार्थ आत्म अस्तित्व है। अपने मन को प्रशांत कर दिया, संकल्प शून्य हो गया, ये सहज समाधि है। इसका व्यवहारिक सहज समाधि क्या है? उठते बैठते चलते फिरते चित्त निर्मल, प्रसन्न, आनंदित, क्लेश रहित, द्वंद रहित, दुख रहित, पीड़ा रहित, सब समय प्रसन्न मन, प्रसन्नता से जीने के लिए ये जीवन मिला है। रो रो करके मत जियो। अगर रोने का कारण आए तो सुख हटा दो, कुछ रहने वाला नहीं। अपने आत्मा को गड्ढे में मत डालो, जितना भी दुख का कारण है हटाओ और इसी जीवन में परम शांति का अनुभव करो, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आध्यात्मिक उन्नति है परम शांति। नींद खुले, कोई झटका न लगे, राग का, द्वेष का, चिंता का, उद्वेग का झटका न लगे। नींद खुले, आनंद से नींद खुले और लगे सब प्राणी परमात्मा रूप है, सबके प्रति सुंदर बर्ताव। दिन भर अपना व्यवहार करो, आध्यात्मिक साधना करो, प्रसन्न रहो, बिस्तर पर जाओ, आराम से नींद लग जाए, सुख से सो, सुख से जागो, सुख से जियो और सुख से मरो, ये जीवन का फल है। गृहस्थ लोग कहते, महाराज सुख से सोए, सुख से जागे, सुख से जिए, मरना शब्द नहीं कहना चाहिए। जिसके द्वार से सबको प्रविष्ट होके निकलना है, उसी से भय, यही मोह। मरने की याद बहुत जरूरी है। मरने का दिन तो उत्सव का दिन है, रिजल्ट का दिन है। मेधावी छात्र रिजल्ट के दिन को बड़ी आशा से देखता है, कायर कूचर छात्र सोचता है रिजल्ट का दिन न आए। तो सब तो कायर है, दुनिया में मोह करके आसक्त हैं, इसलिए भयभीत हैं मरने से। वीर बनो, जिस संसार को छोड़ना है पहले से मोह छोड़ो, यही कल्याण का आधार है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।